हाय फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एमटी इलेक्ट्रिकल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिना स्लेप में पाइप डाले हुए आप अपने घरों में वायरिंग कराते वक्त लाखों की बचत करा सकते हैं। तो इसी तरह बने रहिए आप हमारे वीडियो में, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो आइए दिखाते हैं आपको, ये जो इंजीनियर है वो ड्राइंग पास किया है और इस स्लेप में हम केवल फैन बॉक्स लगाएंगे और फैन बॉक्स के सिवा एक भी पाइप का यूज नहीं किया गया है और न ही लाइट जंक्शन का यूज किया गया है। तो आइए वीडियो में दिखाते हैं आपको क्या किया गया है इस स्लैब में। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने ये जो बड़ा सा फ्लैट है, बड़ा सा बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में हम जो फैन बॉक्स है उस फैन बॉक्स को डालेंगे और इलेक्ट्रिकल पाइप का यूज नहीं करेंगे। तो देखिए कैसे डालेंगे, देखिए पूरा बहुत बड़ा सा बिल्डिंग है और ये 15 फ्लोर तक जाएगा और इंजीनियर के ड्राइंग के अनुसार हमने वर्क किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फैन बॉक्स लगाया गया है और इसमें एक छोटा सा पाइप लगा के और इसको बाइंडिंग वायर से बांध दिया गया है, टाइट फुल टाइट बांध दिया गया है ताकि ये इधर उधर न जाए। और इस पूरे बिल्डिंग में, पूरे फ्लैट में एक भी पाइप इलेक्ट्रिकल पाइप का यूज न करते हुए इसको पूरा वर्क किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी फैन आएगा और इसको फुल टाइट करके बांध दिया गया है। पूरे फ्लैट में केवल फैन बॉक्स ही लगाया गया है और लाइट जंक्शन का और पाइप का यूज ही नहीं किया गया। आप देख सकते हैं इससे आपको बहुत ही बचत होने वाला है क्योंकि जितना पाइप इस स्लैब में लगेगा उतना ही पाइप में सेम आपका नीचे जो फॉल सीलिंग बनाया जाएगा, फॉल सीलिंग में उतना ही पाइप में, फॉल सीलिंग में आपका पूरा वायरिंग हो जाएगा ए टू जेड, सर्किट भी पूरा उसमें पूरा हो जाएगा आपका। और देखिए यहाँ पर भी फैन एक लगाया गया है, फैन बॉक्स लगाया गया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं फैन बॉक्स लगाया गया है और गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए पूरा काम किया गया है क्योंकि हर किसी के घर में अब फॉल सीलिंग की आवश्यकता पड़ने लगी है क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा बढ़ गया है। उस गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए ये पूरा काम किया जा रहा है और इसमें देखिए आपका वायर जो भी है, सीलिंग से वायर खींचने में बहुत ज़्यादा वायर लगता है और अगर आप फॉल सीलिंग से वायरिंग करवाते हैं तो बहुत ही कम वायर में आपका पूरा काम हो जाएगा क्योंकि जितना भी सर्किट होता है वो सीलिंग से जाता है तो ज़्यादा वायर का यूज करना पड़ता है और फॉल सीलिंग से आप लेंगे तो बहुत कम ही वायर में आपका हो जाएगा, केवल स्विच बोर्ड से डायरेक्ट डीबी को जाएगा। और देखिए यहाँ पे टोटल इस बिल्डिंग में टोटल 12 फैन का यूज किया गया, फैन बॉक्स का यूज किया गया है, 12 फैन बॉक्स का यूज किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे हम कि फॉल सीलिंग में सर्किट पूरा कैसे बनाया जाता है और उसका वायरिंग कैसे किया जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा बिल्डिंग है और एक भी पाइप इलेक्ट्रिकल नहीं यूज किया गया, इससे आपको बहुत बचत होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।